हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। तो ये देखिए, मेरे सबसे फर्स्ट में हिबिस्कस के प्लांट गुड़हल के, और कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं इनमें, बहुत सारे फ्लावर। आज तो एकदम ढेरों फूल खिले हुए थे इनमें, एकदम मेरा प्लांट पूरा भरा हुआ था। ये देखिए, और इधर भी तो बहुत सारे फ्लावर खिले हुए थे। दो तीन फ्लावर मैंने सुबह तोड़े भी हैं इसमें से भगवान जी में चढ़ाने के लिए। और अभी देखिए, लगभग 7-8 फ्लावर अभी लगे हुए हैं। ये ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, इसका सुबह टाइम ऑरेंज कलर रहता है और धीरे धीरे देखिए क्रीम कलर का होते जा रहा है। और उसके बाद है ये रेड वाला डबल पेटल का जो हिबिस्कस, इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी, और बहनों के लिए आई हुई हैं। ये देखिए, आप देखिए, ये प्लांट भी पूरा फूलों से भरा हुआ है। ये देखिए, बहुत सुंदर फूल है इसके। और मेरे पास दो तीन वैरायटी के हैं, एक ये रेड कलर में है, एक ऑरेंज में है, और दो मैं हाइब्रिड वाले लेकर आई हूँ, उनमें भी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो ये हैं इधर, ये देखिए चंपा के प्लांट, ये देखिए चंपा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी इस टाइम, वे बंच में फ्लावर आए हुए हैं। तो ये चंपा के प्लांट था, और ये ग्लाडिया में फ्लावरिंग हो रही है अभी। और इधर ये मेरा रोज प्लांट, जो बहुत ही सुंदर प्लांट है। देखिए कितनी सारी कलियां आई हुई हैं इनमें, पूरा बंच में फ्लावर इसमें खिलेंगे। और ये देखिए इधर पूरा प्लांट मेरा फूलों से भरा है, फूलों और कलियों से। और ये रोज प्लांट, ये देखिए अभी पूरा खिला नहीं है, और ये कलियां बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इनमें रोज प्लांट पर भी। ये देखिए कलियां भी आ रही हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसमें। थोड़ा सा देखिए पत्तियों पर फिर से पेस्ट का अटैक है शायद, मैं इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करूँगी अभी फिर से। तो और ये देखिए रोज प्लांट, सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी अच्छे हेल्दी हैं। तो ये थे मेरे फ्लावर। ये देखिए कनेर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं इसके। ये येलो कनेर है मेरा, और बहुत सारी कलियां भी आई हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी कलियां आई हैं, ढेरों कलियां आई हुई हैं इनमें। तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं इस टाइम पे, ये बारिश के सीजन में। और ये रोज के प्लांट, ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं रोज़ प्लांट पर। और ये कलियां भी आई हुई हैं बहुत सारी, ये देखिए इधर, ये देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है रोज। और ये बटन रोज है, और ये देखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, पीवीसी पाइप में लगा हुआ पर्सलेन, बहुत ही सुंदर फ्लावर हैं इसके, और कलर भी बहुत प्यारा लगता है। इधर ये मॉस रोज, और ये देखिए गुलाब को मैंने जितने फ्लावर इनके कट कर दिए थे सब में नए न्यू शूट्स आ गई हैं, बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है इनकी। और अभी फिर से ये कलियां बनना शुरू हो गई हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसमें फिर से कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये मेरा चांदनी का प्लांट, ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं बारिश के सीज़न में, और पूरा फुल ब्लूमिंग पर है ये। सुबह टाइम हम लोग बहुत सारे इनके फ्लावर तोड़ भी लेते हैं। इधर ये देखिए पेंटास, पेंटास में भी अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये पूरे 12 महीने हर टाइम में खिलता रहता है, बस इसको थोड़ा सा पिंचिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके मुरझाए हुए फूल होते हैं उनको हटा दें तो वहाँ से दो दो ब्रांच निकलती है और प्लांट अच्छा घना बनता जाता है। ये इधर देखिए क्रिसेंथियम के कुछ प्लांट हैं, जो मेरे पुराने प्लांट हैं पिछले साल के, उनको मैंने फिर से नई मिट्टी बनाकर रिपोर्ट किया हुआ है, नई मिट्टी थोड़ा हेल्दी तैयार करके। और ये कुछ मैंने सीड ग्रो किए हैं, अभी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई है। ये इधर
कॉक्सकॉम है, सॉरी कॉस्मस है, और अभी कोचिया मेरे चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिया के प्लांट लगे हुए हैं। और ये देखिए मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस, इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। लगभग एक हफ्ते से इसमें डेली फ्लावरिंग होती है और रोज़ एक दो फूल खिले रहते हैं। और देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हैं, एकदम पूरा प्लांट मेरा कलियों से भरा हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी बहुत अच्छा हेल्दी है। और एक ये मिनिएचर वाला है, इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं पर बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं एकदम। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है इसका, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, एकदम भर भर के फूल आते हैं इसमें। तो ये है, यहाँ पे कुछ मैंने बालसम के प्लांट लगाए हैं जिनके अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, बस ये लगभग एक हफ्ते 10 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इनकी। और ये देखिए, और ये देखिए मेरे देसी हिबिस्कस है जो मेरे थर्ड फ्लोर पर रखे हुए हैं, वही वाले फ्लावर ये भी हैं, सेम वही फ्लावर खिलते हैं इनमें। और ये देखिए डबल पेटल का फ्लावर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करते हैं। और इसमें इनको मैंने कटिंग से लगाया था, और ये देखिए इसमें एक ऑरेंज कलर का भी है, इसमें 2-3 कटिंग लगी हैं जो कुछ ऑरेंज की है, एक दो प्लांट, और इसमें 4 कटिंग लगी हैं और 2 कटिंग मेरी यही रेड वाले थे जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। ऐसे ही थर्ड फ्लोर पर भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है इनमें इस टाइम। और ये देखिए पर्सलेन, यहाँ पर भी इनकी फ्लावरिंग पहले से कम हो गई है पर अभी फूल आते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे से ब्रांच हो गई हैं और पत्तियाँ तो काफ़ी कम हो गई हैं इनमें, फ्लावरिंग हो रही है अभी। इधर एटिकोमा, ये देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं, और ये बीच बीच में इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है लेकिन आती रहती है, जैसे पुराने प्लांट झड़ते रहते हैं और नए प्लांट फिर से बनते रहते हैं नई कलियाँ। ये देखिए यहाँ पे नई नई कलियाँ बन रही हैं ये, और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इसको, जहाँ से फ्लावरिंग हो जाती है वहाँ से उसको हटा देने से, नहीं हटाते तो भी वहाँ से 2 ब्रांच बन जाती है और प्लांट और ज़्यादा घना बनता जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। और ये देखिए कितना ज़्यादा इसका एरिया पूरा कवर हो गया है। और इधर ये वर्बीना, जो पेरेनियल वर्बीना है, उसकी फ्लावरिंग तो हमेशा होती ही रहती है जो कि बहुत अच्छी हो रही है। और ये देखिए इधर अडेनियम, इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है अभी इस टाइम, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और लगभग सभी प्लांट मेरे जितने भी हैं सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी सी कलियाँ बन रही हैं, ये देखिए न्यू न्यूज, अभी मैंने इनको सबको प्रून कर दिया था तो इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हुई है, और उसके बाद फ्लावरिंग भी सब कर रहे हैं। मैंने इनको फरवरी में प्रून किया था, अभी नहीं किया था। और ये देखिए सारी कलियाँ से भरा है मेरा प्लांट, सारे प्लांट में कलियाँ भरी हुई हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है अडेनियम की भी। और ये देखिए मैंने जो मैंने हैंड प्लांट बनाए थे आप लोग के साथ, मैंने इसका वीडियो शेयर भी किया है, ये देखिए। और इधर मेरा करी पत्ता मीठा नीम, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है ये देखिए। और एक प्लांट मेरा और है ये इधर, और इधर मेरा थूजा का प्लांट है मोर पंख का, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है, और उसमें इस साल सीड्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो जब सीड तैयार हो जाएंगे तो मैं इनको जर्मिनेट करके देखूंगी इनकी जर्मिनेशन होती है कि नहीं होती। और मेरे कुछ इधर विंटर के प्लांट हैं जो मैं तैयार कर रही हूँ अभी, क्रिसेंथेमम के प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हैं और उनको 8 इंच के गमले में रिपोर्ट भी कर दिया है, ये देखिए। और कुछ सीड्स लगाए थे, ये देखिए ये पिटूनिया के सीड्स हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है, ये देखिए कुछ प्लांट इनमें बड़े हो गए हैं, कुछ अभी छोटे छोटे से ही हैं। और इसमें मैंने न्यू बीज और डाले हैं अभी नए नए, ये देखिए कैरेंडुला के बीज स्टार्ट हो गए हैं जर्मिनेशन इनकी, बाकी अभी और नहीं हुए हैं। इसमें एस्टर और गजानिया और पिटूनिया के सीड मैंने डाले थे 4 प्रकार के। और ये देखिए मेरी टिकोमा की कटिंग जो मैंने लगाई थी, उनमें रूट्स आ गए थे तो मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। और इधर कॉक्सकॉम के प्लांट हैं जो कि सीड से उगाए थे मैंने, तो इनको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, अभी मैंने ग्रो बैग्स में ही लगा कर रखे हुए हैं। इधर ये देखिए कैलेंडुला,
सीड से उगाए थे मैंने, इनको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया छोटे छोटे ग्लास में। तो ऐसे मेरे गार्डन में थोड़ी सी सारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है और ऐसे दिख रहा है मेरा गार्डन। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।